बोलो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। अरे शादी से ज्यादा रौनक है, रिश्तेदार से लेके पड़ोसी सबको बुलवाया है। साहब का ऑर्डर था। मामा। आओ बेटा। कितना खुश लग रहा है। चाची थोड़ी मिठाई लो ना। नहीं ले सकती, मुझे शुगर है। फिर दवाई किसके लिए? शैतान का। ओ हीरो, तुम्हारे मामा तुम्हें याद कर रहे हैं। लेट्स गो प्रोड्यूसर। हेलो मामा, इस बार समर वेकेशन में क्यों नहीं आए मामा? सॉरी बेटा, अगली बार जरूर आएंगे। भगवान से बड़ा कोई स्टोरी राइटर नहीं है। जो लड़का अपने हर रिश्तेदार को अपने पास रखना चाहता था, अचानक एक एक्सीडेंट के कारण अपने माता पिता को ही खो बैठा। चाचा मामा, इतने सारे रिश्तेदार हैं उसके, कोई और रख लेगा ना? एक सच्चा दोस्त रिश्तेदार से बढ़कर होता है। अपनी दोस्ती में जरूर निभाऊंगा। घर में दो बेटियां हैं, कोई लड़का उनके साथ रहे मुझे मंजूर नहीं। हर संडे आप लोग मुझसे मिलने आओगे ना अंकल? अरे कहने की जरूरत ही नहीं है, कभी मिलने का मन करे तो वार्डन को बता देना, वो मुझे कॉल करेंगे। ठीक से पढ़ाई करना। बाय हीरो। बाय प्रोड्यूसर। चलो। तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में सुनकर दुख हुआ। मेरा नाम राजू है। बालू। हेलो। क्या है? ड्राइंग में इतने सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन असल में तो कोई नहीं है ना? आज नहीं है, पर एक दिन जरूर होंगे। तुम्हें अपनी फैमिली चाहिए थी ना? आज तुम्हारा हर रिश्तेदार तुम्हारे साथ खड़ा है बेटा। हमें छोड़ के नहीं जा सकते तुम, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुमने हमारी जान बसी है बेटा, तुम्हें लड़ना ही होगा। जब अकेला पड़ गया था, सब छोड़कर चले गए थे, आज तो सब मेरे साथ हैं, और क्या चाहिए? नहीं दादू, आंसू नहीं। सॉरी आंटी, मैं आपका भतीजा नहीं हूं, यही कहना चाहते हो ना? जिन्होंने जन्म दिया, पिछले 20 सालों से न मुझसे मिलने आए ना ही एक फोन तक किया। इन्होंने हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी घर वालों की कमी दूर नहीं कर पाए। लेकिन तुमने मुझे देखते ही मेरी पीड़ा समझ ली। तुम तो कोई सगे रिश्तेदार से भी बढ़कर हो। माँ बाप की कमी तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन तुम्हारी कमी सहन नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मेरे लिए जीना, उनके लिए जीना जो तुम्हारे लिए जीते हैं। प्रोड्यूसर रो क्यों रही हो? यहाँ प्रोड्यूसर कुछ नहीं होगा मुझे। देखो, जब इंसान जिंदा होता है ना, जरूरी नहीं शरीर से ही हो, मरने के बाद यादों में भी जिंदा रह सकते हैं, बातों में जिंदा रह सकते हैं। अगर आज मैं नहीं बच पाया तो तुम्हारी बातों में, यादों में जिंदा रहूंगा हमेशा।
मैं तुम्हारा हीरो बनकर रहूंगा। मेरे लिए इतना काफी है। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए काफी नहीं है। माँ बाप की कमी तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन तुम्हारी कमी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे बिन नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। हे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, ऐसा मत कहो। लिसन टू मी, हम जिसे चाहते हैं ना, उसके लिए हम मरते नहीं, बल्कि उसके लिए तो हम जीते हैं। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं? तुम्हारे साथ ही रहूंगा हमेशा के लिए। डॉक्टर, डॉक्टर, चलो डॉक्टर बुला दे। एक पिता अपने बच्चों को विरासत में जमीन और जायदाद देता है, लेकिन तुमने अपने बेटे को इतने सारे रिश्तेदार दे दिए। वो कहते हैं ना कि आप जो बोओगे वही काटोगे। जितना प्यार बालू ने लोगों को दिया, शायद उसी प्यार और लोगों की दुआओं के कारण वो आज मेरे साथ है। लव यू हीरो। हेलो, हाँ बताइए। ओके, व्हाट्सएप पे एड्रेस भेजिए, पहुंच जाएंगे। लेट्स गो प्रोड्यूसर, एक बेटा और बहू चाहिए। इस बार रियल वाइफ होगी।